आईपीएल 2021 के वेन्यूज हो चुके हैं फिक्स और विद इन इंडिया खेली जाएगी आईपीएल 2021। उसके साथ ही साथ फैंस को लेकर बहुत ही बढ़िया ये खुशखबर, क्या है वो खुशखबर, लेट्स फाइंड आउट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स लीग बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहां पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूं, यहां पे डेली वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करते रहता हूं, जिसमें क्रिकेटर्स का इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करते रहता हूं। जो कि यहां पे मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोस आपके सामने लाता रहा हूं इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से वेन्यूज हो चुके हैं फिक्स आईपीएल 2021 को लेकर, उसके साथ ही साथ क्या आई है वो बड़ी अपडेट फैंस को लेकर। तो यार आईपीएल 2020 की अगर बात की जाए तो बहुत ही एक रोमांचक सीजन घटा था, और मतलब वहां पे अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस ने फिर से एक बार टाइटल जीत के ये प्रूव किया था कि वी आर द बेस्ट टीम। तो आईपीएल 2021 की अगर बात की जाए तो वेन्यूज वगैरह सारे फिक्स हो चुके हैं, ऑक्शन डेट भी फिक्स हो चुकी है, और मतलब बॉल कैश ट्रांसफर से भी एक डील हो रही है बहुत सारे फ्रेंचाइजी के बीच में, तो इससे भी प्लेयर्स यहां से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मेगा ऑक्शन जो है वो आईपीएल 2021 का भी 18 फरवरी को होने वाला है, और बहुत ही मजा आने वाला है देखने में कि कौन से प्लेयर्स वहां पे खरीदते हैं फ्रेंचाइजी। खासकर नजर रहेगी किंग्स इलेवन पंजाब के ऊपर और सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, और उसके साथ ही साथ आरसीबी के ऊपर भी कि कौन से प्लेयर्स वो खरीदते हैं। बट यार यहाँ पे बहुत ही एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और मतलब इंडियन फैंस के लिए जो है वो बिल्कुल भी एक बड़ी खबर है। पहली खबर जो है वो मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज जो होने वाली है इसको लेके, और यहाँ पे मतलब बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने ये कहा है कि 25-50% क्राउड हम अलाउ करने वाले स्टेडियम में। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब चेन्नई के स्टेडियम में ये पॉसिबल होगा, क्योंकि चेन्नई का स्टेडियम इतना बड़ा नहीं है। बट अगर बात की जाए अहमदाबाद के स्टेडियम की तो वो काफी बड़ा है, और वहां पे 50% अगर बैठते तो भी मतलब कोरोना जो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ये अगर रूल्स फॉलो ऑटोमेटिकली किए जाएंगे तब वो पूरा स्टेडियम भरेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, बहुत कैपेसिटी ज्यादा है उस स्टेडियम की। तो वहां पे मुझे लगता है कि क्राउड अलाउ किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि चेन्नई के स्टेडियम में अलाउ किया जाएगा। तो देखते कि क्या होता है, बट फैंस के लिए डेफिनेटली ये खुशखबर होने होगी जरूर, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे देखने को मौका मिलेगा कि विद इन इंडिया थोड़े फैंस अलाउ किए जा रहे हैं, थोड़ा सा क्राउड अलाउ किया जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो आईपीएल 2021 की वेन्यूज फिक्स हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो ट्रेजरर है बीसीसीआई के, तो उन्होंने ये अपडेट दी है कि हमारे दिमाग में तो ये है कि मतलब बिल्कुल इंडिया में ही खेला जाएगा इस साल का आईपीएल, और इस साल की आईपीएल जो है उसके वेन्यूज भी अभी मतलब डेफिनेटली फिक्स करेंगे हम। बट जो नाम सामने आए हैं मेरे, पुणे एक स्टेडियम फिक्स हो चुका है, तो पुणे में मुझे बहुत ही अभी मजा आने वाला है कि पुणे में मैं देखने जाऊंगा। हालांकि पुणे की टीम नहीं है, बट शायद अगर पुणे में होती है तो बिल्कुल भी मैं देखने जाऊंगा हर एक मैच। उसके साथ ही साथ मुंबई का एक स्टेडियम फिक्स हो चुका है, और उसके साथ ही साथ अहमदाबाद शायद फिक्स होगा। चेन्नई का एक स्टेडियम है, तो पता नहीं कि कौन से एग्जैक्टली स्टेडियम्स होंगे, बट पुणे का एक नाम सामने आया, मुंबई के दो स्टेडियम का नाम सामने आया और चेन्नई के एक स्टेडियम का नाम सामने आया, तो बाकी के स्टेडियम पता नहीं कि कहां पे खेले जाएगा। बट यहां पे अगर बात की जाए आईपीएल, अगर देखें हम कि आईपीएल 2021 का सीजन, तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दुबई एक स्टेडियम था, शारजा स्टेडियम था, इसके अलावा कोई चौथा स्टेडियम नहीं था, दो तीन स्टेडियम के अंदर अंदर ही पूरा सीजन जो है वो कंडक्ट किया गया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने का मौका हमें मिल सकता है। तो अभी देखते हैं कि कौन से तीन स्टेडियम फिक्स होते, तीन या फिर चार स्टेडियम फिक्स होते। तो आईपीएल के क्राउड की अगर बात की जाए तो अभी बिल्कुल भी उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं आई। अगर कोरोना सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी अगर अंडर कंट्रोल आती है तो वहां पे भी हमें अलाउ किया जाएगा, वहां पे देखने को मौका मिलेगा, स्टेडियम के अंदर जाके देखने का मौका मिलेगा मैचेस। बट अभी आईपीएल फैंस या फिर आईपीएल क्राउड के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आया फिलहाल। अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के बारे में जो अपडेट आया था कि जो फैंस अलाउ किए जाएगा 25-50% अलाउ किए जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने लाता रहा हूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहा हूं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।